बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर आपका। और जिस तरीके बहुत से हम बहुत डेंगू धन्यवाद। की बात कर रहे हैं कि डेंगू ने जो पांव पसारा है जुलाई से लेकर सितंबर तक में, अगर दिल्ली की बात की जाए तो केसेस में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और इस बार Dengue 2 यानी कि जो 4 स्ट्रेन है उसमें से ये जो स्ट्रेन है वो काफी खतरनाक हो रहा है। तो सबसे पहले तो डेंगू का ये जो नया वेरिएंट है वो किस तरीके से खतरनाक है और इसे सावधानी किस तरीके से बरतनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा कि पल्लवी जी आपने बताया, डेंगू का आमतौर पर अगर हम केसेस देखें तो वो जुलाई से लेके और नवंबर तक केसेस इसके देखे जाते हैं। पर इस बार केसेस अगर पिछले 4 या 3 सालों में देखें तो इस बार केसेस काफी ज्यादा है। ज्यादा होने का कारण एक तो ये माना जा रहा है कि इस बार जैसे मानसून भी जल्दी आया था तो इस वजह से कई जगह पे जल भराव रहा, पानी इकट्ठा रहा, तो इस वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग ज्यादा रही और इस वजह से हम डेंगू के केसेस भी ज्यादा देख रहे हैं। फिलहाल एक चीज यहाँ पे समझने की ये जरूरत है हमें कि डेंगू का जैसे आपने बताया सीरो टाइप जो अभी डेंग टू है, देखिए जैसा हम कोविड के दौरान भी सुना करते थे कि कोविड के अलग अलग तरह के वेरिएंट हुआ होते हैं होते हुआ करते थे, और अभी डेंगू में फिलहाल देखें तो इसमें 4 तरह के नॉन सीरो टाइप है, 4 टाइप जिसमें N1, 2, 3 और 4 कहते हैं, बट फिलहाल जिसका ज्यादा प्रिवेलेंस है वो है Dengue 2 D2 जिसको हम कह रहे हैं। देखिए एक चीज यहाँ समझने की जरूरत है, कई बार लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि उनको एक बार डेंगू हो गया है तो उनको दोबारा डेंगू नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अगर हम पूरे लाइफ लॉन्ग में देखें तो डेंगू किसी भी व्यक्ति को 4 बार हो सकता है। मतलब अगर आपको Dengue 1 एक तरह के किसी सीरोटाइप से अगर आपको संक्रमण हुआ है, डेंगू हुआ है, तो दोबारा आपको किसी दूसरे तरह से हो सकता है। हाँ, उस तरह के जो सीरोटाइप है उससे आप लाइफ लॉन्ग इम्यून रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, पर दूसरे तरह के सीरोटाइप से आपको होने का चांस बना रहता है। पर जब दूसरी बार डेंगू होता है आपको तो वो पहली बार से ज्यादा खतरनाक होता है। तो Dengue 2 का जैसे अभी तक के जितने भी पुराना अगर हम सब देखें तो Dengue 2 में लक्षण काफी ज्यादा देखे गए हैं और लक्षणों की गंभीरता भी ज्यादा देखी गई है। जिस तरीके की जानकारी आपने दी कि नया वेरिएंट है, किस तरीके से बदलाव आता है, अगर आपको डेंगू हो भी जाता है तो दूसरी बार भी चांसेस कैसे हो सकते हैं होने के, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर बाकी फीवर में यानी इन्फ्लुएंजा, हम वायरस की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, उनके सिम्टम्स से हम डेंगू के सिम्टम में अंतर कैसे करें, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आमतौर पे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे फर्क करें, क्योंकि जो ये सीजन है मॉनसून के बाद जब हम देखते हैं, जब हम ठंड की तरफ जा रहे हैं और गर्मियां कम हो गई, तो ये मौसम इस तरह का होता है कि जिसके अंदर और दूसरी तरह की वायरल डिजीज भी रहती है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सब भी लोगों के अंदर रहता है, तो वो फर्क नहीं कर पाते। और डेंगू में जैसा हम कहते हैं कि जितना जल्दी आप लक्षणों को पहचान पाएं और टाइमली आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर पाए, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। जैसा कि अगर हम आम तौर पे कॉमन कोल्ड फ्लू की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर आपका गला भी खराब रहेगा, पर डेंगू के अंदर ज्यादातर आप देखेंगे कि एकदम हाई ग्रेड फीवर आएगा, एकदम से हाई ग्रेड फीवर, मतलब 104 तक आपको बुखार होगा, आंखों के पीछे, हाँ जी पहला सिम्टम, और दूसरा आंखों के पीछे साइड में ऐसा आपको पेन फील होगा, आपको जॉइंट में, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, कि जॉइंट में बहुत ही सीवियर पेन, मसल्स में पेन, बोन्स में पेन, इस तरह के सिम्टम आपको रहेंगे, बहुत तेज आपको सर दर्द, और इसमें वीकनेस जैसे आमतौर पे वायरल में भी रहती है पर इसमें बहुत अधिक वीकनेस, आपको ज्यादा वीकनेस हो जाती है, तो इस तरह के कुछ लक्षण देख सकते हैं। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि डेंगू के बुखार में अगर पहले दिन का ही आपको लक्षण है तो उसी दिन आप जांच से भी पता लगा सकते हैं। एक बहुत ही साधारण सा टेस्ट होता है जिसको हम NS1 एंटीजन टेस्ट कहते हैं, तो उसके जरिए ये पता किया जा सकता है कि आपको डेंगू है कि नहीं है। बट एक चीज समझनी और जरूरी है पल्लवी जी, यहाँ पे कई बार डेंगू टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो भी आप ऐसा ना सोचिए कि आपको डेंगू नहीं है, कई बार आपका डेंगू नहीं डिटेक्ट होता, तो इसलिए लक्षणों को ऑब्जर्व करना ठीक से बहुत ज्यादा जरूरी है। महत्वपूर्ण था डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने ये जिक्र किया तो हमारे दर्शक इसको और विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि डेंगू के लक्षण जो होते हैं 3 से 10 दिन के भीतर होते हैं,
पहले 2 से 3 दिनों में पता नहीं लगता है, और ऐसे में लोग अगर टेस्ट करा लेते हैं, जैसा कि आपने कहा कि एंटीजन टेस्ट होता है, उसमें वो नेगेटिव आ जाता है, तो लोग ये सोच बैठते हैं या मान बैठते हैं कि शायद उनको डेंगू नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कितने दिनों का होता है। उसको थोड़ा सा आम भाषा में लोगों को समझाने की अगर कोशिश कर पाए तो बताएं कि किस तरीके से कब टेस्ट कराना है, नेगेटिव भी हो जाता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो वो होता है कि जब आपको मॉस्किटो ने बाइट किया है, मच्छर ने आपको काटा है, तो काटते ही आपको जरूरी नहीं सिम्टम, सिम्टम आने में हो सकता है 3 से 10 दिन लग जाए आपको संक्रमण होके लक्षण आने के अंदर। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है, आमतौर पे जैसा हमने लक्षण बताया ये होता है, जैसा हाई ग्रेड फीवर हुआ, तो टेस्ट के लिए राइट समय होता है कि जैसे आप शुरू के अगर 4-5 दिन में टेस्ट करा लेंगे तो उस टेस्ट के अंदर आ जाएगा। कई बार टेस्ट लोग 5वें दिन कराते हैं, 6ठे दिन कराते हैं, तो उस समय भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि जो NS1 एंटीजन टेस्ट है वो शुरू के 5 दिन तक ही कराने का फायदा होता है। 5 दिन से ज्यादा अगर आप उसके बाद आप जानना चाहते हैं आपको डेंगू है कि नहीं, तो उस टाइम एंटीबॉडी बन जाती है, जैसे हमने कोविड के केस में सुना था कि एंटीबॉडीज, तो फिर वो एंटीबॉडी टेस्ट होता है कोविड डेंगू का, उससे पता लगेगा। तो जांच अपने आप से ना करा के बेहतर है कि एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर ले कराने से पहले। और इसमें एक चीज में यहाँ पे और लोगों सबको दर्शकों को अटेंशन दिलाना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि आमतौर पे हम फीवर में कॉमन कोल्ड फ्लू होता है तो उसमें हम कोई भी दवाई ले लेते हैं, यहाँ पर ओवर द काउंटर आपको मेडिकेशन भी नहीं करनी है कि आपने कोई किसी तरह का पेन किलर खा लिया, क्योंकि डेंगू के अंदर क्या होता है कि आपके प्लेटलेट भी कम होते हैं, गिरते हैं, पर अगर आप पेन किलर खाएंगे तो उससे वो और कम होने की संभावना बन जाती है। तो इस वजह से अपनी तरफ से कोई एंटीबायोटिक, पेन किलर, कोई स्टीरॉयड, इस तरह की दवा का आप इस्तेमाल ना करें, एक्सेप्ट पैरासिटामोल आप ले सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान बिल्कुल, ये रखना बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जी। जैसा आपने शुरुआत में कहा और हमारे दर्शक सुन भी रहे होंगे कि चूंकि इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगी, ये इस वक्त बीमारी फैल रही है और कमोबेश सिम्टम्स वही है। सिम्टम्स में भेद क्या है, अंतर क्या है, उसके बारे में आपने जानकारी दी। अगर ये अंतर नहीं दिखाई देता है तो यही जरूरी हो जाता है कि दवाइयों का इस्तेमाल जो है अपने आप से नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से समझना है, टेस्ट होगी उसके बाद ही आप दवाई लें। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे हम शुरुआत में सवाल कर रहे थे कि डेंगू 2 के बारे में, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, हालांकि बहुत जल्दी पता नहीं लगता और जब पता लगता है तो स्थिति काफी नाजुक हो जाती है। आखिर इसमें ऐसा होता क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये चीज एक समझनी जरूरी है, क्योंकि जो डेंगू है, डेंगू के अंदर एक्चुअली 3 फेजेस के अंदर होती है आपकी बीमारी पूरी। जो पहला फेज है उसको हम कहते हैं फेब्राइल, और जो दूसरा फेज है वो क्रिटिकल, और थर्ड को हम कहते हैं रिकवरी। तो जैसे शुरू के 5 दिन आपको बुखार चल रहा है, तो बुखार चल रहा है ठीक है, उस टाइम तक लोगों को पता रहता है कि भाई बुखार है, हमें कोई ना कोई बीमारी है, और अपना ट्रीटमेंट करते हैं जैसे भी। उसके बाद जब बुखार उतर जाता है उस टाइम आमतौर पे लोगों को लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, उतरने के बाद फिर दोबारा से चढ़ जाता है, ये अक्सर यहाँ पर एकदम से वो क्रिटिकल वाला फेज आने की संभावना बनी रहती है। तो ये जरूर आप ध्यान रखें कि अगर आपको लक्षण है, 5 दिन तक बुखार चल रहा, उसके बाद भी आपको प्रॉपर अपने सिम्टम को, लक्षणों को मॉनिटर करना है। ऐसा नहीं कि 5 दिन के बाद आप फिर से एकदम से केयरलेस हो जाएं, तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें कुछ चीजों का आपको और ध्यान, जैसे हम सिम्टम्स की मॉनिटरिंग की बात करते हैं, देखिए शुरू के लक्षण तो हेडेक हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, मसल पेन हो गया, ये सब तरह के लक्षण होते हैं, पर जब हम थोड़ी सीवियरिटी की तरफ, गंभीरता की तरफ जा रहे हैं, वहां पर अटेंशन देने की जरूरत है कि आपको एकदम पेट में दर्द होना शुरू होता है, आपको वॉमिटिंग आना शुरू होता है, आपको ब्लीडिंग जैसे गम्स में से, मसूड़ों से या नोज में से ऐसे ब्लीडिंग, यूरिन या स्टूल में ऐसी ब्लीडिंग, वहां पर आपको बिल्कुल अलर्ट, सतर्क होने की जरूरत है, उस समय हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत हो सकती है। और एक और लक्षण देखा जाता है कि आपके इस तरह के लक्षण जो नॉर्मल लक्षण है वो चल रहे हैं, और बीच में आपको जैसे लग रहा है रेस्टलेसनेस, आपको नींद लेने में डिफिकल्टी हो रही है, ये भी देखा गया है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि फिर उसमें हॉस्पिटलाइज होके प्लेटलेट काउंटर की मॉनिटरिंग और ये सब, जब घर पे आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी घर पर ही रहिए रेस्ट, तो उसमें कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि घर पे रेस्ट ठीक तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपना हाइड्रेशन ठीक से रखिए, क्योंकि ज्यादातर डेंगू के पेशेंट जब सिक होते हैं, सीरियस होते हैं, तो उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो लिक्विड आप ठीक तरीके से लीजिए,
खाना आप बिल्कुल लाइट फूड जितना हल्का होगा वो आप लेंगे जो इजी से आपको डाइजेस्ट हो जाए। तो इन बातों का आप नहीं, घर पे जब ट्रीटमेंट चल रहा है ध्यान रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है। आप बहुत लोग कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया, हमने अपने बच्चों को फुल स्लीव पहनाया हुआ था, बावजूद इसके हमारे बच्चों को डेंगी हो गया। तो ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे चीजें हैं वो कितनी कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक चीज ये समझना जरूरी है कि डेंगू का जो मच्छर है वो किस टाइम ज्यादा एक्टिव है। ज्यादातर देखा गया है कि डेंगू का मच्छर दिन के समय एक्टिव रहता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे सनराइज हुआ, सनराइज के बाद वो 2 घंटे के टाइम सुबह के टाइम एक तो एक्टिव होता है। तो उस टाइम ध्यान रखिए, क्योंकि जो सुबह का टाइम है उस टाइम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और तो उस बातों का आपको विशेष तौर पे, तो एक तो जैसा फुल स्लीव का आपको पहनना ही पहनना है, पर उसके अलावा भी पल्लवी जी कुछ एरिया होता है जो हमारा एक्सपोज्ड होता है, जैसे आप गर्दन के पीछे देखेंगे, कान के पास वाला एरिया हो गया, अगर बच्चों ने हाफ वो पहना हुआ है तो उसके बाद वो घुटने का एरिया हो गया, काफ मसल्स, लेग वाला, ये वाले जो है ये पॉइंट है जहां पर मच्छर काटता है अक्सर। तो इन पॉइंट्स को भी खास तौर पे हम नेक वाला एरिया और ये वाला ईयर वाला एरिया, यहाँ पर भी आप मॉस्किटो रेपेलेंट या इस तरह की कोई नीम ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि यहाँ पे मॉस्किटो बाइट ना हो। और इसके अलावा आफ्टरनून के बाद भी ज्यादा ये फिर से एक्टिव हो जाता है, जब लेट आफ्टरनून होता है, जैसे 3 4 4 बजे के बाद, जब तेज धूप है उस समय नहीं, वो 4 5 बजे के बाद, तो उस समय ध्यान रखें। तो एक तो ये वाली चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है, बाकी जो नॉर्मल हमारे मॉस्किटो बाइट से बचने के जो तरीके हैं उन सब चीजों का आपको। हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे बच्चों की तो बात कर ली, इसके अलावा बुजुर्ग और कोमॉर्बिड लोग हैं जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उनको भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए डेंगू और ज्यादा सीवियर हो सकता है। और जिनको डेंगू हो गया है, कई बार हमें लगता है कि इनको डेंगू हो गया है ठीक है, उनको भी फिर आपको मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना है, नेट बिल्कुल लगाना, वो घर पे रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मच्छर ने काटा और उसको आपने काट लिया उस मच्छर ने, तो फिर आपको डेंगू होने की संभावना बन जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी भी ना डेंगू की कोई दवाई है ना वैक्सीन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम सावधानी से देखें बरतें तो डेंगू से हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल और करती जाऊंगी, क्योंकि सितंबर का महीना है, अभी 2 महीने बचे हैं, अक्टूबर नवंबर, क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, डेंगू के मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं? हाँ देखिए, जैसे केसेस अभी देख रहे हैं पल्लवी जी, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी केसेस में पीक तो आ गया ऑलमोस्ट, अभी काफी ज्यादा केसेस है, फिर अब धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। जैसा हम डेंगू का ट्रेंड देखे इतने सालों से, तो दिवाली के बाद फिर ये बिल्कुल फॉल होना शुरू हो जाते हैं, पर हाँ अक्सर देखा गया है हमेशा दिवाली के टाइम तक ये रहते हैं, उसके बाद फिर कम होना शुरू होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला।